सभागार की शोभा बढ़ा रही है। हम सभी आपका इस सभागार में स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। पंडित मदन मोहन मालवीय संपूर्ण मांगमय के लोकार्पण के मौके पर आयोजित इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ मंच पर विशिष्ट अतिथि भी मौजूद हैं। हमारे साथ जो अतिथि मौजूद हैं उनका परिचय आपसे कराते हैं। श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी, माननीय सूचना एवं प्रसारण और युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री, जोरदार तरीके से स्वागत। श्री अर्जुन राम मेघवाल जी, माननीय विधि एवं न्याय मंत्री, स्वतंत्र प्रभार तथा संस्कृति और संसदीय कार्य राज्य मंत्री। श्री राम बहादुर राय जी, प्रधान संपादक, पंडित मदन मोहन मालवीय संपूर्ण वांग्मय एवं प्रख्यात पत्रकार। श्री प्रभु नारायण श्रीवास्तव जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, महामना मालवीय मिशन। श्री हरिशंकर सिंह जी, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, महामना मालवीय मिशन एवं राष्ट्रीय समन्वयक वांग्मय परियोजना। डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह जी, राष्ट्रीय महामंत्री, महामना मालवीय मिशन। आप सभी अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। इसके अतिरिक्त इस सभागार में मौजूद विशिष्ट अतिथियों एवं अन्य सम्मानित अतिथियों का भी हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। महामना मालवीय जी के कीर्ति स्तंभ काशी हिंदू विश्वविद्यालय के बारे में मालवीय जी की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए शांति स्वरूप भटनागर जी ने एक गीत की रचना की थी। अब कुल गीत के शुरू होने से पहले मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूँ, कृपया अपने अपने स्थान पर शुरू खड़े हो जाएं और हम सब लोग कुल गीत का हिस्सा बनेंगे। कुल गीत सेनारी था।
गीत की इस प्रस्तुति के बाद अब हम अपने अतिथियों का सम्मान की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं और अब मैं महामना मालवीय मिशन के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष श्री हरिशंकर सिंह जी से निवेदन करता हूं कि कृपया वो प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। प्रधानमंत्री जी को सम्मान स्वरूप शॉल भेंट की जा रही है, साथ ही साथ प्रतीक चिन्ह भी प्रधानमंत्री जी को सम्मान स्वरूप दिया जाएगा। ये सम्मान हम सबकी तरफ से इस बेहद पावन मौके पर प्रधानमंत्री जी के लिए जोरदार तालियां। प्रधानमंत्री जी को एक पेंटिंग भी भेंट की जाएगी, मालवीय जी का चित्र जो शिवांगी ने बनाया है, और शिवांगी स्वयं इस पेंटिंग को प्रधानमंत्री जी तक ले जा रही हैं और वो प्रधानमंत्री जी को इस पेंटिंग को भेंट करेंगी। मालवीय जी का ये चित्र उनके व्यक्तित्व को दर्शाता है, जोरदार तालियां एक बार। बहुत बहुत धन्यवाद शिवांगी। और अब मैं महामना मालवीय मिशन के राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह जी को आमंत्रित करता हूं कि कृपया वो आएं और माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी को सम्मानित करें। वेद प्रकाश सिंह जी, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी का सम्मान हो रहा है, उनको शॉल उड़ाकर प्रतीक चिन्ह भेंट करके जोरदार तालियां, अभिनंदन, वंदन। और अब मैं संस्था के सदस्य श्री संजीव कुमार जी से निवेदन करता हूं, कृपया वो आएं और विधि एवं न्याय मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। जोरदार तालियों से स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और अब मैं संस्था के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्री दिनकर कुमार सिंह जी से निवेदन करता हूं कि वो संपूर्ण मालवीय वांग्मय के प्रधान संपादक श्री राम बहादुर राय जी का स्वागत करें। राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष संस्था के दिनकर कुमार सिंह जी सम्मानित कर रहे हैं संपूर्ण मालवीय वांग्मय के प्रधान संपादक श्री राम बहादुर राय जी का, जोरदार तालियां, जोरदार स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। संपूर्ण मालवीय वांग्मय को साकार रूप देने वाली संस्था महामना मालवीय मिशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री प्रभु नारायण श्रीवास्तव जी को अब मैं आमंत्रित करता हूं कि कृपया वो आएं और स्वागत संबोधन दें। श्री प्रभु नारायण श्रीवास्तव जी, नमस्कार। माँ भारती की सेवा में अहिर्निश रत हमारे राजर्षि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई, कार्यक्रम के अध्यक्ष पद्मश्री श्री राम बहादुर राय, यशस्वी कैबिनेट मंत्री श्री अनुराग ठाकुर एवं श्री अर्जुन राम मेघवाल, महामना संपूर्ण वांग्मय के राष्ट्रीय समन्वयक श्री हरिशंकर सिंह, राष्ट्रीय महामंत्री श्री वेद जी, उपस्थित देश भर से आए हुए प्रतिभापुंज, मैं प्रभु नारायण मिशन की ओर से देश भर से आए हुए कर्मठ कार्यकर्ता एवं महामना को आदरांजलि देने वाले इतनी विशाल संख्या में उपस्थित प्रतिभापुंज का हृदय से स्वागत करता हूँ। हम सब लोग अमृत महोत्सव वर्ष में महामना और अपने प्रिय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के 2047 में विकसित भारत के सपनों को तन मन धन से पूरा करने के लिए संकल्पबद्ध हैं।
11 दिनों में कार्यक्रम की सफलता में हमारे कार्यकर्ता ने बहुत ही कर्मठतापूर्वक योगदान किया है। माननीय प्रधानमंत्री के देदीप्यमान व्यक्तित्व के अभाव में यह संभव नहीं हो पाता। अपने सुविचारित एजेंडा के अनुसार पिछले कई दशकों तक महामना को स्मृति के गर्भ में डाला गया था। वर्तमान भारत सरकार उन्हें 2014 में भारत रत्न से अलंकृत किया और तभी से मालवीय युग का आरंभ हो गया, ऐसा हम मानते हैं। पिछले 45 वर्षों से महामना मालवीय मिशन के कर्मठ कार्यकर्ताओं ने सेवा, शिक्षा, संस्कार एवं राष्ट्रवादी विमर्श नेशनल नैरेटिव बनाने में वर्तमान सरकार के सपनों को मजबूती प्रदान करने का गिलहरी प्रयास किया है। स्वराज्यम सप्रजम हंति राजा नाम मंत्र विप्लव से राजा, राज्य और जनता का भी विनाश होता है। आज पूरे देश में, पूर्व में कलकत्ता, पटना, रांची, पश्चिम में गांधीनगर, गुजरात, गांधीनगर से हमारे कई राजा महाराजा भी आए, मैं उनका भी विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूँगा। मुंबई, जयपुर, उत्तर में दिल्ली, लखनऊ और दक्षिण में बेंगलुरु और हैदराबाद सहित कुल 30 शाखाएँ कार्यरत हैं। इनके द्वारा संचालित सेवा प्रकल्प, डिजिटल ट्रेनिंग केंद्र, दिल्ली में गढ़िया लोहार के परिवार का सेवा, उचाहार में महिला सिलाई कढ़ाई केंद्र, लखनऊ में इंटर कॉलेज छात्रावास एवं समसामयिक विषयों पर गोष्ठियों का आयोजन किया जाता रहा है। जो कार्य पिछली सरकार अज्ञात कारणों से वर्षों तक नहीं कर पाई, उसे मिशन के कार्यकर्ताओं ने अपनी तपस्या से 4 वर्षों में 11 खंडों के 4000 पृष्ठों में महामना के सैकड़ों अप्रकाशित पत्रों, लेखों और भाषणों को 22 खंडों में समेटा है। अगले 11 खंडों की दूसरी श्रृंखला भी लगभग तैयार है। हमें विश्वास है श्रृंखला का भी लोकार्पण अपने राजर्षि प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से शीघ्र ही हो सकेगा। पूजनीय गुरु जी से प्राप्त आशीर्वाद से माननीय अशोक सिंघल, माननीय भावराव, माननीय भिड़े जी, डॉक्टर शंकर तत्वादी, माननीय वेद प्रकाश गोयल, माननीय पन्नालाल जायसवाल, माननीय तुपकड़ी जी और हमारे जैसे सैकड़ों कार्यकर्ताओं की समर्पित शक्ति से बिना किसी सरकारी सहायता के मालवीय जी का यह रथ पिछले 45 वर्षों से अनवरत चल रहा है। अंत में मैं इस अवसर पर अपने राजर्षि प्रधानमंत्री से कुछ निवेदन करना चाहता हूँ, हार्दिक निवेदन। जैसा कि हम सब अवगत हैं, लोकमान्य तिलक, महामना, पूज्य गांधी एक राजनेता होते हुए भी गीता प्रेमी थे। हमारे मोदी जी भी उसी प्रकार से गीता प्रेमी हैं। आपसे मेरा अनुरोध है, आपसे अच्छा कौन जान सकता है कि गीता जी से देश की चेतना में कितना सार्थक परिवर्तन हो सकता है। अतः प्रथम चरण में अपने ही दल में से गीता प्रवचन की वार्षिक परंपरा विकसित हो और इसका उद्घाटन आपके ही प्रवचन से हो। ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ मैं आपसे यह भी आपके ध्यान में लाना चाहूँगा कि बाद में हिंदू विश्वविद्यालय में महामना द्वारा स्थापित स्वैच्छिक गीता प्रवचन की परंपरा राजनीतिक द्वारा भी स्थापित की जा सकती है। दूसरा, मालवीय वांग्मय सहित अन्य मालवीय साहित्य एवं उपर देश भर में महामना के दर्शन पर विश्वविद्यालयों में उचित शोधों पर आकर्षक पुरस्कार दिए जाएँ। इस संबंध में हम भारत सरकार के शिक्षा विभाग को सहयोग कर सकते हैं अथवा सरकार हमारा सहयोग ले सकती है। हमें विश्वास है कि ईश्वर के आशीर्वाद से आपके नेतृत्व में लगभग 25 करोड़ भारतीय परिवार के प्रधान होने के कारण अपने देश का सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और आधुनिक विकास निश्चित ही संपन्न हो सकेगा। अंत में मैं आप सबको हृदय से पुनः पुनः धन्यवाद देता हुआ श्रीमद् भगवद गीता का अंतिम श्लोक, जो महर्षि व्यास ने संजय मुख से कहा है, उसको उद्धृत करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। भगवान ने कहा है, यत् योगेश्वरः कृष्ण यत् पार्थो धनुर्धरः तत् सिंह विजयो भूति ध्रुवा नीतिर मते मम। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री प्रभु नारायण श्रीवास्तव जी।
संपूर्ण मालवीय वांग्मय की पहली श्रृंखला से परिचित कराने के लिए अब मैं आमंत्रित करता हूँ संपूर्ण मालवीय वांग्मय के प्रधान संपादक श्री राम बहादुर राय जी को कि कृपया वो आएं और हम सभी को इस संकलन से परिचित कराएं। श्री राम बहादुर राय जी। प्रधानमंत्री श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय अनुराग सिंह ठाकुर जी, आदरणीय अर्जुन राम मेघवाल जी, श्री हरिशंकर सिंह जी, प्रभु नारायण श्रीवास्तव जी, डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह जी, संचालन कर रहे आर्यन सिंह जी और सामने उपस्थित मित्रों, मालवीय मिशन के पदाधिकारी गण और यह साल 2023 है और यह विदा हो रहा है। यह साल दो बातों के लिए याद किया जाएगा, मोदी की गारंटी और महात्मा महामना के वांग्मय का प्रकाशन। ये दो बातों के लिए 2023 हमेशा याद किया जाएगा। मोदी की गारंटी में विकसित भारत की यात्रा का प्रारंभ है और महामना वांग्मय में उसका शब्द चित्र है। ये दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आज जैसे सुबह आप सबने देखा होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी के की जन्म जयंती है, उस पर प्रधानमंत्री जी और बाकी लोग गए थे, उसी तरह से आज पंडित मदन मोहन मालवीय जी का 162वां जन्मदिन है और ऐसे अवसर पर महामना मालवीय मिशन की खोजी टीम ने, मेहनती टीम ने और समर्पित एक टीम ने वांग्मय को अपने खून और पसीने से बनाया है। मालवीय जी का लिखा जो भी उपलब्ध हो सका है उसके 11 खंड अभी छपे हैं। भारत सरकार के प्रकाशन विभाग ने इसे छापा है और मैं ये आपसे बताना चाहता हूँ कि यह संभव हुआ सूचना और प्रसारण मंत्री माननीय अनुराग ठाकुर जी के निर्देश से। मैं मानता हूँ कि अनुराग ठाकुर जी में महामना से एक समानुभूति है और मैं इसके लिए आपके प्रति आभारी हूँ। आप में से कोई अगर ये सवाल मन में आपके उठ रहा हो तो मैं कहूँगा कि ये सवाल आप मत पूछिए, ये मत पूछिए कि वांग्मय इससे पहले क्यों नहीं आया, क्योंकि महामना की 162वीं जन्म जयंती है। उनको गए हुए 1946 में वे चले गए, 1946 से लेकर 2023 के बीच में आखिर क्या वजह है कि वांग्मय उनका नहीं आया। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि उनके एक निजी सचिव थे पंडित सीताराम चतुर्वेदी, उन्होंने मालवीय जी पर एक किताब लिखी और उस किताब में उन्होंने लिखा है कि मालवीय जी के ने 50-55 साल बोला है और जो बोला है वह सब आकाश में है।
हमने जो वांग्मय बनाया है वो आकाश से तोड़ कर नहीं बनाया है, हमने जो वांग्मय बनाया है वो आकाश में जो है वो तो किसी दिन जब विज्ञान आकाश के शब्दों को चुन लेगा तब शायद एक नया वांग्मय महामाना का बने, लेकिन हमने जो वांग्मय बनाया है वह उपलब्ध उनके देश विदेश में जो सामग्री थी उससे बनाया है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा ज़रूरी यह जानना है कि वांग्मय में क्या है। गोखले, तिलक, गांधी, रविन्द्रनाथ ठाकुर, लाला लाजपत राय, ये जब नाम हम लेते हैं तो उन्हीं नामों में एक नाम कोहिनूर जैसा चमकता है और वह नाम है पंडित मदन मोहन मालवीय का। वांग्मय इस बात का प्रमाण होगा कि महामाना मालवीय समसामयिक है। 2023 में भी अगर आप महामाना को पढ़ें तो आप पाएंगे कि 2023 में भी हमको अगर कोई ज्योत जलानी है, कोई अंदर प्रकाश खोजना है, कोई भावी दिशा देखनी है तो वो सब महामाना मालवीय के साहित्य में है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि वे समसामयिक हैं, वे 21वीं सदी में भी उतने ही तरोताज़ा हैं जितने 1946 में थे, 1886 में थे, 1909 में थे, 1918 में थे। उनका एक ही रंग है। अगर आपने महामाना के को देखा होगा तो उनकी दूसरी कोई तस्वीर नहीं मिलती, एक ही रंग की तस्वीर मिलती है। और वो जो रंग उनका है उसमें भारत के सृष्टि के, मैं तो कहूँगा, सारे रंग समा जाते हैं। महामना का रंग है सनातन धर्म, शिक्षा, देशज आधुनिकता, स्वराज, समाज में सद्भाव और भविष्य की राह। महामना पर बहुत पुस्तकें हैं, उनके जीवन काल में भी और आज तक। अभी कुछ दिनों पहले तक एक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने उन पर बहुत अच्छी किताब निकाली है और वो किताब ये बताती है कि महामना के कथन को, महामना के लेखन को किस तरह से विकृत करके कुछ लोगों ने प्रस्तुत किया है। मैं उस किताब के बारे में बोलने का यह वक्त नहीं है, मैं केवल यह कहना चाहता हूँ कि महामना पर तो बहुत पुस्तकें हैं लेकिन महामना की पुस्तक ये वांग्मय है। इस वांग्मय में आप महामना को पाएंगे जिसमें वे स्वयं साक्षात उपस्थित हैं। आपको बता दूं कि महामना पर पहली पुस्तक 1919 में, हो सकता है कि यह सूचना बहुत लोगों के लिए नई हो, 1919 में जब महामना कांग्रेस के अध्यक्ष थे, 18 में बन गए थे, तो उन पर जो पहली पुस्तक आई जबलपुर से छपी थी, मौलाना अबुल आला मौदूदी ने प्रकाशित की थी, वो पुस्तक है। और पुस्तक छपी और उसी साल जब्त हो गई, जबलपुर से छपी थी। इस वांग्मय के बारे में कुछ बातें मैं और कह करके अपनी बात जल्दी ही पूरी करना चाहता हूँ। आज़ादी के इस अमृतकाल में, जैसा प्रभु नारायण श्रीवास्तव जी ने भी ये बात कही कि 4000 पृष्ठों में महामना का बौद्धिक योगदान उन्हीं के शब्दों में आ गया है। इसके 11 खंड हैं। इन खंडों की सामग्री एकत्र करने में देश विदेश में रह रहे अनेक लोगों ने, जो हिंदू विश्वविद्यालय के पुराने छात्र हैं, जो मालवीय जी के साथ जुड़े हुए रहे हैं, उन्होंने सहयोग किया है। कुछ नामों का उल्लेख मुझे करना चाहिए।
जिनके सहयोग से ये वाङ्मय बना है। बंगलोर में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के एक पुराने छात्र हैं, उनकी उम्र 83 साल है, के चंद्रमौली, उन्होंने बहुत सहयोग किया है इस वाङ्मय में। उसी तरह से मालवीय जी के निजी सचिव रहे वी ए सुंदरम, उनके नाती हैं, जर्मनी में रहते हैं। मालवीय जी रोज कोई एक श्लोक अपने हस्ताक्षर से अपनी डायरी में लिखते थे, वो डायरी जर्मनी में थी, और यहाँ मेरा ख्याल है इस सभागार में उपस्थित होंगे डॉक्टर वैदुर्य प्रताप शाही, इन्होंने उस डायरी को हमें उपलब्ध कराया। मैं वैदुर्य प्रताप शाही के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ। मनोरमा त्रिपाठी हैं, जिन्होंने मालवीय जी के 200 से ज़्यादा पत्रों को अंग्रेजी में अनुवाद करके और उपलब्ध कराया। हरिशंकर सिंह जो मंच पर अभी मौजूद हैं, हम लोगों के पुराने साथी हैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय के, हालांकि ये लोहा लक्कड़ वाले हैं यानी इंजीनियर हैं, लेकिन मालवीय जी के प्रति निष्ठा है और इनके संयोजन में ये कार्य हुआ है। गुंजन अग्रवाल वह व्यक्ति है, वह युवा है जिसमें असीम क्षमता है शोध की। गुंजन अग्रवाल ने इस असंभव काम को संभव करने में रात दिन खपाया है, मैं गुंजन अग्रवाल का भी आभारी हूँ। भाषण वाङ्मय में मालवीय जी के भाषण हैं, लेख हैं, संपादकीय हैं, पत्र हैं, उन मुकदमों के पूरे विवरण हैं जो मुकदमे मालवीय जी ने लड़े। मैं एक मुकदमे चौरी चौरा के मुकदमे का जिक्र नहीं करूंगा, मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी स्वयं उस मुकदमे का जिक्र करेंगे। इस वाङ्मय में दस्तावेज हैं, प्राइवेट पेपर्स हैं मालवीय जी के, और इस तरह से ये सारे खंड काल क्रमानुसार हैं और ये कार्य अभी आधा हुआ है। हो सकता है कि जब हम अगले कार्य में आगे बढ़ें तो और सामग्री मिले। अभी की योजना में ज़रूर हम चाहते हैं कि 22 खंडों का ये वाङ्मय पूरा हो, अभी 11 खंडों का ये वाङ्मय है। मैं कहूँगा कि शुरुआत हो गई है, मार्ग मिल गया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि मंजिल पर भी पहुँचेंगे ही। यह भी संभव है, आप सबका आशीर्वाद रहा तो बहुत संभव है कि हम महामना का एक विश्वकोश तैयार करेंगे। अंत में मैं कहना चाहूँगा कि स्वाधीनता आंदोलन की संपूर्णता में अगर किसी को स्वाधीनता आंदोलन को संपूर्णता में समझना है तो महामना के वाङ्मय से उसे मदद मिलेगी। स्वराज और उसके सपने को अगर समझना है तो महामना के वाङ्मय से उसे समझ में आएगा कि स्वराज का सपना क्या था। और खुद महामना ने स्वराज के बारे में बहुत लिखा है। वाङ्मय का महत्व इसी रूप में ऐतिहासिक है और भविष्य दृष्टि के लिए आवश्यक है। मैं यह कहकर अपनी बात पूरी करता हूँ और मैं ये कहूँगा कि महामना जब आप पढ़ेंगे वाङ्मय को तो आप पाएंगे कि महामना में आर पार देखने की अपार क्षमता थी, और उस महामना के चरणों में मैं प्रणाम करके अपनी बात पूरी कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद राम बहादुर राय जी, आपके इस परिचय कराने के लिए वाङ्मय की इस पूरी यात्रा को लेकर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। संपूर्ण मालवीय वाङ्मय का संकलन महामना मालवीय मिशन ने किया है तथा भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के प्रकाशन विभाग ने इसे प्रकाशित किया है।
आइए इस संकलन के बारे में देखते हैं एक छोटी सी वीडियो फिल्म। भारतीय सभ्यता और संस्कृति के मूर्तिमान शिक्षाविद एवं भारत रत्न महामना मदन मोहन मालवीय जी का आधुनिक भारत के निर्माताओं में अग्रणी स्थान है। महामना के जन्मदिन के पावन अवसर पर भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पंडित मदन मोहन मालवीय संपूर्ण वांग्मय का आज लोकार्पण किया जा रहा है। इस वांग्मय की पहली श्रृंखला के 11 खंडों में कुल 4000 पृष्ठों में मालवीय जी के पत्रों, लेखों और भाषणों का संकलन किया गया है। महामना द्वारा सन 1907 में शुरू किए गए साप्ताहिक अभ्युदय के संपादकीय अंग्रेजी कानूनों की आलोचना विषयक लेख, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में उनके भाषण, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए किए गए श्रम एवं प्रयास तथा सन 1916 में उसकी स्थापना तक किए गए पत्राचार इत्यादि और सन 1923 से 1925 के मध्य उनके द्वारा लिखी गई डायरी के पन्ने यथावत इसमें शामिल हैं। आइए इस अद्वितीय अवसर के भागीदार बने। और अब मौका है संपूर्ण मालवीय वांग्मय के लोकार्पण का। इस कड़ी में हम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से विनम्र अनुरोध करते हैं कि वो संपूर्ण मालवीय वांग्मय का लोकार्पण करने की कृपा करें। माननीय अनुराग सिंह ठाकुर जी से निवेदन है कि लोकार्पण के लिए प्रतीकों प्रधानमंत्री जी को भेंट करें। मंच पर उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथियों से भी अनुरोध है कि वो भी प्रधानमंत्री जी के साथ इस लोकार्पण का हिस्सा बने। जोरदार तालियां इस ऐतिहासिक पल के लिए। गवाह बनने का हम साक्षी बन रहे हैं जब महामना की इस यात्रा से हम परिचित हो रहे हैं। प्रधानमंत्री जी द्वारा लोकार्पित किए जा रहे संपूर्ण मालवीय वांग्मय के कुल 11 खंड हैं। लोकार्पण के बाद ये पूरा संकलन आम लोगों के लिए उपलब्ध होगा और हम सभी मालवीय जी के विचारों से लाभान्वित हो सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधानमंत्री महोदय आपका और अन्य अतिथियों का मालवीय जी के विचारों की श्रृंखला को लोकार्पित करने के लिए। और अब मैं बहुत ही आदर और विनम्रता के साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध करता हूं कि कृपया वो आज के इस पावन मौके पर हम सभी को अपने विचारों से अनुग्रहित करें। माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी। मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री अनुराग ठाकुर जी, अर्जुन राम मेघवाल जी, महामना संपूर्ण वांग्मय के प्रधान संपादक, मेरे बहुत पुराने मित्र रामबहादुर राय जी, महामना मालविया मिशन के अध्यक्ष प्रभु नारायण श्रीवास्तव जी, मंच पर विराजमान सभी वरिष्ठ साथी, देवी और सज्जनों, सर्वप्रथम आप सभी को क्रिसमस की शुभकामनाएं। आज का दिन भारत और भारतीयता में आस्था रखने वाले करोड़ों लोगों के लिए एक प्रेरणा पर्व की तरह होता है। आज महामना मदन मोहन मालवीय की जी जन्म जयंती है, आज अटल जी की भी जयंती है। मैं आज के इस पावन अवसर पर महामना मालवीय जी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं, अटल जी को आदरपूर्वक श्रद्धांजलि देता हूं। अटल जी की जयंती के उपलक्ष में आज देश गुड गवर्नेंस डे सुशासन दिवस के रूप में मना रहा है। मैं समस्त देशवासियों को
सुशासन दिवस की भी बधाई देता हूँ। साथियों, आज के इस पवित्र अवसर पर पंडित मदन मोहन मालवीय संपूर्ण वांग्मय का लोकार्पण होना अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। ये संपूर्ण वांग्मय महामना के विचारों से, आदर्शों से, उनके जीवन से हमारी युवा पीढ़ी को और हमारी आने वाली पीढ़ी को परिचित कराने का एक सशक्त माध्यम बनेगा। इसके जरिए भारत के स्वतंत्रता संग्राम और तत्कालीन इतिहास को जानने समझने का एक द्वार खुलेगा। खासकर रिसर्च स्कॉलर्स के लिए, इतिहास और राजनीति विज्ञान के छात्रों के लिए ये वांग्मय किसी बौद्धिक खजाने से कम नहीं है। BHU की स्थापना से जुड़े प्रसंग, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के साथ उनका संवाद, अंग्रेजी हुकूमत के प्रति उनका सख्त रवैया, भारत की प्राचीन विरासत का मान, इन पुस्तकों में क्या कुछ नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात कि इनमें से एक वॉल्यूम, जिसका रामबहादुर राय जी ने उल्लेख किया, महामनाज की निजी डायरी से जुड़ा है। महामना की डायरी समाज, राष्ट्र और अध्यात्म जैसे सभी आयामों में भारतीय जनमानस का पथ प्रदर्शन कर सकती है। साथियों, मुझे पता है इस काम के लिए मिशन की टीम और आप सब लोगों की कितनी वर्षों की साधना लगी है। देश के कोने कोने से मालवीय जी के हजारों पत्रों और दस्तावेजों की खोज करना, उन्हें कलेक्ट करना, कितने ही अभिलेखागारों में समुद्र की तरह गोते लगाकर एक एक कागज को खोज करके लाना, राजा महाराजाओं के पर्सनल कलेक्शन से पुराने कागजों को एकत्र करना, ये किसी भगीरथ कार्य से कम नहीं है। इस अगाध परिश्रम का ही परिणाम है कि महामना का विराट व्यक्तित्व 11 खंडों के संपूर्ण वांग्मय के रूप में हमारे सामने आया है। मैं इस महान कार्य के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को, महामना मालवीय मिशन को और रामबहादुर राय जी की को और उनकी टीम को हृदय से बधाई देता हूं। इसमें कई पुस्तकालय के लोगों का, महामना से जुड़े रहे लोगों के परिवारों का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं उन सब साथियों का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं। मेरे परिवारजनों, महामना जैसे व्यक्तित्व सदियों में एक बार जन्म लेते हैं और आने वाली कई सदियों तक हर पल हर समय उनसे प्रभावित होते हैं। भारत की कितनी ही पीढ़ियां पर महामना जी का ऋण है। वो शिक्षा और योग्यता में,
उस समय के बड़े से बड़े विद्वानों की बराबरी करते थे। वो आधुनिक सोच और सनातन संस्कारों के संगम थे। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में जितनी बड़ी भूमिका निभाई उतना ही सक्रिय योगदान देश की आध्यात्मिक आत्मा को जगाने में भी दिया। उनकी एक दृष्टि अगर वर्तमान की चुनौतियों पर थी तो दूसरी दृष्टि भविष्य निर्माण में लगी थी। महामना जिस भूमिका में रहे उन्होंने नेशन फर्स्ट, राष्ट्र प्रथम के संकल्प को सर्वोपरि रखा। वो देश के लिए बड़ी से बड़ी ताकत से टकराए, मुश्किल से मुश्किल माहौल में भी उन्होंने देश के लिए संभावनाओं के नए बीज बोए। महामना के ऐसे कितने ही योगदान हैं जो संपूर्ण वाङ्मय के 11 खंडों के जरिए अब प्रामाणिक रूप से सामने आएंगे। इसे मैं अपनी सरकार का सौभाग्य समझता हूं कि हमने उन्हें भारत रत्न दिया। और मेरे लिए तो महामना जी एक और वजह से बहुत खास है। उनकी तरह मुझे भी ईश्वर ने काशी की सेवा का मौका दिया है। और मेरा ये भी सौभाग्य है कि 2014 में चुनाव लड़ने के लिए मैंने जो नामांकन भरा उसको प्रपोज करने वाले मालवीय जी के परिवार के सदस्य थे। महामना की काशी के प्रति अगाध आस्था थी। आज काशी विकास की नई ऊंचाइयों को छू रही है। अपनी विरासत के गौरव को पुनर्स्थापित कर रही है। मेरे परिवारजनों, आजादी के अमृत काल में देश गुलामी की मानसिकता से मुक्ति पाकर अपनी विरासत पर गर्व करते हुए आगे बढ़ रहा है। हमारी सरकारों के कार्यों में भी आपको कहीं ना कहीं मालवीय जी के विचारों की महक महसूस होगी। मालवीय जी ने हमें एक ऐसे राष्ट्र का विजन दिया था जिसके आधुनिक शरीर में उसकी प्राचीन आत्मा सुरक्षित रहे, संरक्षित रहे। जब अंग्रेजों के विरोध में देश में शिक्षा के बायकॉट की बात उठी तो मालवीय जी उस विचार के खिलाफ खड़े हुए, उस विचार के खिलाफ थे। उन्होंने कहा कि शिक्षा के बायकॉट की जगह हमें भारतीय मूल्यों में रची स्वतंत्र शिक्षा व्यवस्था तैयार करने की दिशा में जाना चाहिए।
और मजा देखिए, इसका जिम्मा भी उन्होंने खुद ही उठाया और देश को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में एक गौरवशाली संस्थान दिया। उन्होंने ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसे संस्थानों में पढ़ रहे युवाओं को बीएचयू में आने के लिए प्रोत्साहित किया। महामना इंग्लिश के महान विद्वान होने के बावजूद भारतीय भाषाओं के प्रबल पक्षधर थे। एक समय था जब देश की व्यवस्था में न्यायालयों में फारसी और अंग्रेजी भाषा ही हावी थी। मालवीय जी ने इसके खिलाफ भी आवाज उठाई थी। उनके प्रयासों से नागरी लिपि चलन में आई, भारतीय भाषाओं को सम्मान मिला। आज देश की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी मालवीय जी के इन प्रयासों की झलक मिलती है। हमने भारतीय भाषाओं में हायर एजुकेशन की नई शुरुआत की है। सरकार आज कोर्ट में भी भारतीय भाषाओं में कामकाज को प्रोत्साहित कर रही है। दुख इस बात का है, इस काम के लिए देश को 75 साल इंतजार करना पड़ा। साथियों, किसी भी राष्ट्र के सशक्त होने में उस राष्ट्र की संस्थाओं का भी उतना ही महत्व होता है। मालवीय जी ने अपने जीवन में ऐसी अनेक संस्थाएं बनाई जहां राष्ट्रीय व्यक्तित्वों का निर्माण हुआ। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के बारे में तो सारी दुनिया जानती है। इसके साथ ही महामना ने और भी कई संस्थान बनाए। हरिद्वार में ऋषिकुल ब्रह्मचर्य आश्रम हो, प्रयागराज में भारतीय भवन पुस्तकालय हो, या लाहौर में सनातन धर्म महाविद्यालय की स्थापना हो, मालवीय जी ने राष्ट्र निर्माण की अनेक संस्थाओं को देश को समर्पित किया। अगर हम उस दौर से तुलना करें तो पाते हैं आज एक बार फिर भारत राष्ट्र निर्माण की एक से बढ़कर एक संस्थाओं का सृजन कर रहा है। सहकारिता की शक्ति से देश के विकास को गति देने के लिए अलग सहकारिता मंत्रालय बनाया गया है। भारतीय चिकित्सा पद्धति के विकास के लिए केंद्र सरकार ने अलग आयुष मंत्रालय की स्थापना की है। जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला भी रखी गई है। श्री अन्न यानी मिलेट्स पर शोध के लिए हमने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट्स रिसर्च का गठन किया है। ऊर्जा के क्षेत्र में वैश्विक विषयों पर चिंतन के लिए भारत ने बीते दिनों ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस भी बनाया है।
इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो या कोलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, ग्लोबल साउथ के लिए दक्षिण का गठन हो या फिर इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, स्पेस सेक्टर के लिए इन स्पेस का निर्माण हो या फिर नौसेना के क्षेत्र में सागर इनिशिएटिव हो, भारत आज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की कई संस्थाओं का निर्माता बन रहा है। ये संस्थाएं 21वीं सदी के भारत ही नहीं बल्कि 21वीं सदी के विश्व को नई दिशा देने का काम करेगी। साथियों, महामना और अटल जी दोनों एक ही विचार प्रवाह से जुड़े थे। महामना के लिए अटल जी ने कहा था, जब कोई व्यक्ति सरकारी मदद के बिना कुछ करने के लिए निकलेगा तो महामना का व्यक्तित्व, उनका कृतित्व एक दीप शिखा की तरह उसका मार्ग आलोकित करेगा। आज देश उन सपनों को पूरा करने में जुटा है जिसका सपना मालवीय जी ने, अटल जी ने, देश के हर स्वतंत्र सेनानी ने देखा था। इसका आधार हमने सुशासन को बनाया है, गुड गवर्नेंस को बनाया है। गुड गवर्नेंस का मतलब होता है जब शासन के केंद्र में सत्ता नहीं, सत्ता भाव नहीं, सेवा भाव हो। जब साफ नियत से, संवेदनशीलता के साथ नीतियों का निर्माण हो और जब हर हकदार को बिना किसी भेदभाव के उसका पूरा हक मिले, गुड गवर्नेंस का यही सिद्धांत आज हमारी सरकार की पहचान बन चुका है। हमारी सरकार का निरंतर प्रयास रहा है कि देश के नागरिक को मूल सुविधाओं के लिए यहां वहां चक्कर काटने की जरूरत न पड़े, बल्कि सरकार आज हर नागरिक के पास खुद जाकर उसे हर सुविधा दे रही है। और अब तो हमारी कोशिश है कि ऐसी हर सुविधा का सैचुरेशन हो, 100% इंप्लीमेंट करें। इसके लिए देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई जा रही है। आपने भी देखा होगा मोदी की गारंटी वाली गाड़ी देश के गांवों और शहरों तक पहुंच रही है। लाभार्थियों को मौके पर ही अनेक योजनाओं का लाभ मिल रहा है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आज केंद्र सरकार हर गरीब को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड देती है। बीते वर्षों में करोड़ों गरीबों को ये कार्ड दिए गए हैं, लेकिन बावजूद इसके कई क्षेत्रों में जागरूकता की कमी की वजह से गरीबों को ये आयुष्मान कार्ड पहुंच नहीं पाए थे। अब मोदी की गारंटी वाली गाड़ी ने सिर्फ 40 दिन के भीतर देश में 1 करोड़ से अधिक नए आयुष्मान कार्ड बनाए हैं, उनको खोजा है, उनको दिया है। कोई भी छूटे नहीं, कोई भी पीछे रहे नहीं। सबका साथ हो, सबका विकास हो, यही तो सुशासन है, यही तो गुड गवर्नेंस है। साथियों, सुशासन का एक और पहलू है ईमानदारी और पारदर्शिता। हमारे देश में एक धारणा बन गई थी
कि बड़े बड़े घोटालों और घपलों के बिना सरकारें चल ही नहीं सकती। 2014 से पहले हम लाखों करोड़ों के घोटालों की चर्चाएं सुनते थे, लेकिन हमारी सरकार ने, उसके सुशासन ने आशंकाओं से भरी उन अवधारणाओं को भी तोड़ दिया है। आज लाखों करोड़ रुपये की गरीब कल्याण की योजनाओं की चर्चा होती है। गरीबों को मुफ्त राशन की योजना पर हम 4 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। गरीबों को पक्के घर देने के लिए भी हमारी सरकार 4 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही है। हर घर तक नल से जल पहुंचाने के लिए भी 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए जा रहे हैं। ईमानदार टैक्स पेयर की पाई पाई जनहित में, राष्ट्रहित में लगाई जाए, यही तो गुड गवर्नेंस है। और साथियों, जब इस तरह ईमानदारी से काम होता है, नीतियां बनती हैं, तो उसका नतीजा भी मिलता है। इसी गुड गवर्नेंस का नतीजा है कि हमारी सरकार के सिर्फ 5 वर्षों में ही 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। साथियों, संवेदनशीलता के बिना गुड गवर्नेंस की कल्पना नहीं कर सकते। हमारे यहां 110 से अधिक जिले ऐसे थे जिन्हें पिछड़ा मानकर अपने हाल पर छोड़ दिया गया था। कहा जाता था क्योंकि 110 जिले पिछड़े हैं, इसलिए देश भी पिछड़ा रहेगा। जब किसी अफसर को पनिशमेंट पोस्टिंग देनी होती थी तो इन जिलों में भेजा जाता था। मान लिया गया था कि इन 110 जिलों में कुछ नहीं बदल सकता। इस सोच के साथ ना यह जिला कभी आगे बढ़ पाते और ना ही देश विकास कर पाता। इसलिए हमारी सरकार ने 110 जिलों को आकांक्षी जिले, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की पहचान दी। हमने मिशन मोड पर इन जिलों के विकास पर फोकस किया। आज यही आकांक्षी जिले विकास के अनेक पैरामीटर्स पर दूसरे जिलों से कहीं बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी स्पिरिट को आगे बढ़ाते हुए आज हम आकांक्षी ब्लॉक्स प्रोग्राम पर काम कर रहे हैं। साथियों, जब सोच और अप्रोच बदलती हैं तो परिणाम भी मिलते हैं। दशकों तक बॉर्डर के हमारे गांव को आखिरी गांव माना गया। हमने उन्हें देश के पहले गांव होने का विश्वास दिया। हमने सीमावर्ती गांवों में वाइब्रेंट विलेज योजना शुरू की। आज सरकार के अधिकारी मंत्री वहां जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं। मेरी कैबिनेट के मंत्रियों को मैंने कंपलसरी किया था कि जो जिसको अब तक आखिरी गांव कहा गया था, जिसको मैं पहला गांव कहता हूं, वहां उनको रात्रि विश्राम करना है। और गए, कोई तो 17,000 फीट की ऊंचाई पर गए। आज सरकार की योजनाओं का लाभ और तेजी से वहां पहुंच रहा है। एक गुड गवर्नेंस नहीं है तो क्या है? आज देश में कोई भी दुखद हादसा हो, कोई आपदा हो, सरकार तेज गति से राहत और बचाव में जुट जाती है। यह हमने कोरोना काल में देखा है, यह हमने यूक्रेन युद्ध के समय देखा है। दुनिया में कहीं भी मुश्किल हो तो देश अपने नागरिकों को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर काम करता है। गुड गवर्नेंस में ऐसे ही अनेक उदाहरण दे सकता हूं। शासन में आया ये बदलाव अब समाज की सोच को भी बदल रहा है। इसलिए आज भारत में जनता और सरकार के बीच भरोसा ये नई बुलंदी पर है। यही भरोसा देश के आत्मविश्वास में झलक रहा है और यही आत्मविश्वास आजादी के अमृत काल में विकसित भारत के निर्माण की ऊर्जा बन रहा है। साथियों, आजादी के अमृत काल में हमें महामना और अटल जी के विचारों को कसौटी बांधकर विकसित भारत के सपने के लिए काम करना है।
मुझे विश्वास है देश का प्रत्येक नागरिक संकल्प से सिद्धि के इस मार्ग पर अपना पूरा योगदान देगा। इसी कामना के साथ फिर एक बार महामना के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार माननीय प्रधानमंत्री जी आपका इस मौके पर अपने अनमोल विचारों से।